व्हीकल हो कि वो बच के आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी एज ए क्लाइंबर मुझे 1,000 से ऊपर, आज तीसरा दिन हो गया उनका, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं, मिसिंग है वो। पॉसिबिलिटी तो ना होने के बराबर है, लेकिन हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो कोई जादू या कोई इल्हामी ताकत के जरिए वापस आ जाए। 8,200 समथिंग से स्टार्ट होता है, उधर तक हम तीन बंदे चार बंदे रह रहे थे। उसके बाद मैं भी अपनी सेहत की खराबी की वजह से वापस हो गया उधर से, और बदकिस्मती से जो तीन क्लाइंबर्स थे आखिरी बार मैंने उनको पोतने पे चढ़ते हुए देखा, 8,200 मीटर पे समथिंग पे। उधर से मैं वापस हुआ और कैंप थ्री पे पहुँच कर उनका इंतजार किया रात भर, उनको पानी छानी बनाया ताकि वो समेट करके आए, तो रेस्ट करें, पानी छानी पिए, लेकिन बदकिस्मती से वो कैंप थ्री नहीं पहुँच सके। तो एज ए क्लाइंबर केटू का जो मोस्ट टेक्निकल पार्ट है वो क्लाइंबिंग का पोतुल लेक है, वो उस पर चल रहे थे। और अभी जो जदीद दौर है इस दौर का, उनके पास जीपीएस मशीन भी थी गार्मिन, जो यूरोपियन क्लाइंबर्स के साथ, उसके जरिए भी हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो उनकी लोकेशन लास्ट किधर कितनी हाइट तक गई उनकी लोकेशन। मुझे भी उम्मीद है कि वालिद और जो दूसरे क्लाइंबर्स थे वो फुल एनर्जी के साथ स्ट्रांग तरीके से वो ऊपर चढ़ रहे थे।